लकम टू स्टडी आई क्यू आई एम अमित वरी द किलोर आर वी डूइंग टूडे आई होप गुड राइट इवन इफ इट वॉज नॉट गुड बिलीव मी इट टर्न आउट टू बी गुड लीडर ऑन आई फेथ अबाउट इट आई हेयर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ योर्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इच अ यूपीएससी एक्सपीरियंट और अम्पिटेटिव एग्जाम एक्सपीरियंस फेस इज पटेनिंग टू द करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं कितने करने हैं कितने न्यूज पेपर पढ़ने हैं आई नो दैट इज अ क्वेश्चन दैट कीप्स ऑन बर्गिंगअ वो बहुत ज्यादा समस्या खड़ी करता है एंड एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स से फेथफुल सोर्स से करने में थोड़ा सा पैनिक भी लगता है लगता है ऐसा लगता है कि कुछ मिस आउट हो जाएगा बट दैट इज द द नेचर ऑफ करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स आर बेसिकली अनलिमिटेड इन नंबर और हम कितने भी कितने भी करंट अफेयर्स करते रहे पूरे दिन करें पूरे साल करें दे विल ऑलवेज बी लेस मतलब कि थोड़े से कम पड़ेंगे सो करंट अफेयर्स को करने का जो एक सबसे सही और सरल तरीका है कि हम उसको अपने दिन में लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड कर दें एक पर्टिकुलर दो से तीन घंटे का समय करंट अफेयर्स को डेडिकेट कर दे और उन दो से तीन घंटे में जितने भी करंट अफेयर्स कॉम्प्रीहेंसिवली अच्छी तरह से कर सकते हैं दैट वुड एक्चुअली दैट शैल बी इनफ फॉर द प्रीलिम्स एंड फॉर द मेन्स ऑल्सो सो अगर आप डेली करंट अफेयर्स करना चाहते हैं फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सिविल सर्विस प्रिलिम्स के लिए सिविल सर्विस मेन्स के लिए तो मैं सरल सा तरीका बताता हूं आप दिन में एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए जो भी आपको पसंद आता हो जो भी आपको अच्छा लगता हो जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो उसके बाद ये करंट अफेयर्स का जो ये वाला प्रोग्राम है शाम को एक बार इस वीडियो को रिवाइज कर लिया कीजिए इसके अंदर वही न्यूज होंगी जो कि आप पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे होंगे बट थोड़े से ज्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में थोड़े से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव डेटा के साथ इफ यू आर थ्रू विद विदीज टू एक्सरसाइजेज और साथ ही साथ इसके बाद कुछ एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस कर लेंगे लेट लेटमी अश्योर यूल्स और मेन्स के लिए जितने भी नेसेसरी करंट अफेयर्स है दैट विल बी डन आप कहेंगे कि सर वैसे आप जब पढ़ा रहे हैं उसका पीपीटी या पीडीएफ हमें मिल जाएगा आई विल बी विलपी टू एक्चुअली शेयर इट विद यू दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ माइंड बाई द नेम ऑफ द अमित किलोर यहाँ पे आपको बेसिकली जो भी करंट अफेयर्स के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी करंट अफेयर के पी डी एफ होंगे दिल बी शेयर आने वाली जो क्लासेज होती है उनके नोटिफिकेशन भी बेसिकली इस चैनल के ऊपर शेयर हो जाएंगे सो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट अगर आपको करंट अफेयर से एसोसिएटेड कोई डाउट हो कंफ्यूजन्स आएंगे कोई सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली डीएम करके मेरे इंस्टाग्राम 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 हैंडल के ऊपर ठीक है चलो लेट्स बिगिन आज के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट जनरल स्टडीज पेपर वन जो हमारा सबसे पहला वाला जनरल स्टडीज का पेपर है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेसिकली ज्योग्राफी का टॉपिक है एंड अगर हम उस पेपर में देखें आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस सोसाइटी और ज्योग्राफी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सीरीज है क्रोनोलॉजिकली इस प्रकार से आता है अब इसमें सबसे स्पेशल और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जोग्रफी है उसमें से हर साल कम से कम छे से सात क्वेश्चन आते हैं यानी कि साठ से अस्सी नंबर के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं एंड इफ यू विल सी लास्ट एमसीक्यूज या प्रीवियस के देखेंगे, के देखेंगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्रफी के ऊपर अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन रहता है यूपीएससी का दो से तीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्रफी से रिलेटेड होते हैं अभी आए दिनों में एक पर्टिकुलर न्यूज आई थी स्पेसिफिकली एक फिनोमिना है ज्योग्राफिकल फिनोमिना जिसका नाम है लेक इफेक्ट स्नो ऐसी बर्फ जो कि किसी प्रकार के लेख के इफेक्ट की वजह से हो रही है आज हम उसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और कहां पर यह फिनोमिना हो रहा है ज्योग्राफिकली बेसिकली ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है बेसिकली इंडिया में में नहीं इसका मतलब ये कहीं और पर हो रहा है विश्व द लेक इफेक्ट स्नो दैट सिक्स फीट ऑफ स्नो टू फॉल इन वन स्ट्रॉम इन बफलो बफलो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर है यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क नाम के राज्य में न्यूयॉर्क नाम के राज्य में एक दूसरा शहर भी है उस शहर का नाम है न्यूयॉर्क और बफलो

ये ऑब्वियसली काफी ऑब्वियस है कि ऐसा जो ये टॉपिक है ये बेसिकली हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है राइट वर्ल्ड जोग्राफी में से इसका टॉपिक आएगा आइए मैं इसको बताता स्पेसिफिकली एक बार मैप को देखिए जैसे कि आप ये जो शहर देख रहे हैं बफलो नाम का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी नाम के राज्य में एक शहर है और इसके आजू बाजू आप बड़ी सारी सी लेक्स देख रहे हैं लेक एरी ये वाली बड़ी लेक दिस लेक कुछ ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो मुझे बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि दोज वर दी ग्रेट लेक्स ये जो ग्रेट लेक्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बॉर्डर पर पाई जाती है टोटल पांच हैं है क्योंकि उनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लेक्स है यहां पर एक जोग्राफिकल फिनोमिना होता है जिसका नाम है लेक इफेक्ट स्नो ऐसी बर्फ जो कि इन लेक के इफेक्ट की वजह से होती है यूजली जो लेक का सरफेस एरिया होता है जब इसके ऊपर से ठंडी हवा अब कैनेडा जो है वो थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है कैनेडा यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पर ये लेक्स हैं तो जब कैनेडा से आने वाली ठंडी हवा इन लेक के ऊपर वाले सरफेस पे पानी के ऊपर से गुजरती है तो स्पेसिफिकली जो वार्म वाटर होता वार्मर मॉइस्ट एयर राइजेज इन टू कोल्ड एयर एंड इट कंडेज इंटू क्लाउड ये जो कोल्ड एयर की वजह से जो कि वार्म लेक के ऊपर मूव कर रही है ऐसा फिनोमिना हो जाता है कि हेवी स्नो होती है यूजुअली जो भी लेक के जो किनारे के एरियाज है स्पेसिफिकली और ये इस साल देखा जाए तो हाइएस्ट एवर रिकॉर्डेड है अब ये एक्सट्रीम स्नोफॉल के जो इवेंट हो रहे हैं मतलब कि इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है एक दिन के अंदर अंदर छह फीट की जो बर्फ गिर रही है ये ज्यादातर ग्रेट की ईस्टर्न एजेस पर पाई जाती है दिस द ईस्टर्न एजेस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लेक इफेक्ट स्नो ए इस ज्योग्रफिकल फिनोमिना की वजह से पहले मैं आपको इसको पूरा स्पेसिफिकली ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा समझना ईजी होगा ग्रेट लेक्स या फिर इनको ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है और ये इनको एक इनका जो नॉर्मल जोग्राफिकल नाम है लॉरेंशियन ग्रेट लेक्स ये एक सीरीज है टोटल पांच लेक्स की जो कि नॉर्थ अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है अमेरिकन का जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल बीच में है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर कर बीच में पाई जाती है स्पेसिफिकली आपको बहुत ही बेसिकली इन पांचों के पांचों लेक्स के नाम याद हो जाने चाहिए सबसे पहले लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेक ह्यूर लेक एरी और लेक ऑनटेरियो ठीक है इसको अगर अच्छी तरह से याद करें तो यहां से बेसिकली इस पे इस वाले मैप से आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर याद होगा ये कैनेडा है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बीच में से जो व्हाइट लाइन गुजर रही है दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा राइट right? ये बॉर्डर आपने देखा होगा कि कैसे इन लेक्स को भी बेसिकली दोनों देशों के बीच में डिवाइड कर रहा है अब यहां पे देखिए ये सबसे बड़ी लेक लेक सुपीरियर अगेन डिवाइडेड हाफ बिटवीन द कनाडा एंड हाफ बिटवीन द यूएसए लेक ह्यूरॉन ये लेक मिशिगन जो है वो कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट कि जो फाइव ग्रेट लेक्स हैं दो आर ऑल ऑफ देम डिवाइडेड बिटवीन दू यूएसए एंड एक्सेप्ट वन विच इज दी लेक मिशिगन जो कि ऑफ़ अमेरिका की टेरिटरी में आती है देन देर इज लेक मिशिगन लेक ह्यूरोन हमने देख लिया और उसके बाद लेक एरी एंड अनदर वन इज द लेक ऑन अब सवाल मेरा आपसे है आज के जो छोटा सा होमवर्क होगा कि नायागरा फॉल्स जो है वो बेसिकली कौन सी लेक में है इन केस अगर आप याद करके बता भी पाए कैन यू प्लीज टेल इन द दमेंट्स की नाइगराफेल कौन सी लेक के ऊपर है एंड मोर इंपॉर्टेंटली कनाडा में पड़ता है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है लेकिन चलिए हमारा आज का जो फोकस है उसके बारे में बात करेंगे कि जो लेक इफेक्ट नो होता क्या है कैनेडा जैसे कि ठंडा प्रदेश है तो यहां से जब हवाएं ठंडी हवाएं आती है तो जो लेक के सरफेस पे जो कि लेक का पानी जो थोड़ा सा स्लाइटली सा वार्म होता है तो ये कोल्ड ड्राई एयर आने की वजह से लेक के सरफेस के ऊपर से गुजरती हैं तो वहाँ से हीट और मॉइस्चर को पिक कर लेती है कम से कम नहीं तो ज़्यादा 25 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 14 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर का फर्क होता है हवा इतनी ठंडी होती है और पानी इतना गर्म होता है कि इन दोनों के बीच में 14 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जो टेम्परेचर का होता है और इसकी वजह से वो वार्म एयर बहुत सारा सा पानी लेकर हवा में जाती है और जैसे ही लेक के किनारों पर पहुंचती है तो बेसिकली बर्फ बनकर गिर जाती है दैट इज कॉल्ड एज द लेक इफेक्ट स्नो यानी कि लेक के इफेक्ट की वजह से होने वाली बर्फ लेक इफेक्ट स्नो इन बफ्लो एरिया इज टिपिकली कंफाइंड टू ए नैरो रीजन वेर द विंड इज कमिंग स्ट्रेट ऑफ द लेक तो वहीं वहीं पर होती है जहां से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो विंड है नदी के ऊपर से आ रही है दीज आर पर्टिकुलरली पर्टिकुलरलीस्टर्न रीजन ज्यादातर जगह पर ये बर्फ जो होती है ये जो जो आपको ये रेड साइन दिखाई दे रहे हैं दिस इज वेयर दिस फिन इज एक्चुअली अफेक्टिंग अगर देखेंगे अगर हम इसको नक्शे में देखेंगे सो दैट इज़ प्राइमरली द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द लेक तो ये लेक मिशिगन है इसके ईस्टर्न साइड पर यहाँ पर बर्फ पड़ रही है ये लेक ह्यूरोन के ईस्टर्न साइड पर बन रही है एरी के इस तरफ ऑनटेरियो के इस तरफ और जो आज हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसका कर, उसका रीज़न हमारा पढ़ने का ये था कि ये जो बफलों का जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा

जो समर से विंटर के बीच में जो ट्रांजिशन के मंथ होते हैं उनको ऑटम के मंथ कहा जाता है फॉल के मंथ कहा जाता है यानी कि कौन कौन से तीन महीने होंगे ऑटम के सेप्टेंबर अक्टूबर और नवंबर ये तीनों के तीनों महीने कहा जाता है ऑटम के क्योंकि यहां पे समर से बेसिकली विंटर में ट्रांजिशन हो रही है इंडिया में भी सेम ही चीज होती है क्योंकि इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स वाले ही नदर हेमिसफेयर में है तो सेम टू सेम फॉलो किया जाता है वहां पर अमेरिका में ऑटम को कई जगह पर फॉल भी कहा जाता है अब यह कह रहा है कि फॉल हैज हैजार्म अक्रॉस दी अपर मिडवेस्ट यानी ये जो एरिया है यहां पे जो ऑटम के महीने थे सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर वो जनरली थोड़े से वार्म हुए हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज यानी कि जो टेम्परेचर है लेट्स से कि एवरेज अगर यहां पर 20 डिग्री हुआ करता था अब एवरेज टेम्परेचर जो है वो शायद 20 डिग्री से बढ़कर 21 डिग्री हो चुका है देर हैज बिन स्लाइट वार्मिंग ऑफ द टेपरेचर उतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर में जितनी जनरल होती थी इसके साथ साथ आइस प्रिवेंट्स लेक वाटर फ्रॉम इवेपोरेटिंग धीरे धीरे इस क्या नाम है जो लेक्स होती है इनके ऊपर जो हल्की हल्की सी आइस जम जाती है उससे वो वाटर इवेपोरेट भी नहीं हो जाता समर की जो एयर है हैज वार्मर लेक टेम्परेचर ड्यूरिंग दी फॉल अगर ऑटम महीनों के टेंपरेचर एवरेज बढ़ गए हैं तो उसी समय जो लेक का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो भी बेसिकली उसी स्पेसिफिकली बढ़ जाता है तो जैसे जैसे वार्मर टेम्परेचर होते हैं लेक के उतनी ही जब कनाडा से ठंडी हवाएं आती हैं तो उतनी ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना बढ़ जाती है राइट अगर लेक का टेम्परेचर अगर हम 20 डिग्री माने तो एक हाइपोथेटिकल एजम्पन लेते हैं राइट एक हाइपोथेटिकल एजम्पन से लेसे कि भाई सौ टन बर्फ हो जाएगी ओके तो एक एग्जाम्पल देते हैं सौ टन बर्फ गिरेगी बट सिमिलरली अगर लेक का टेम्परेचर बीस हो या इक्कीस डिग्री सेल्सियस हो लेक के सर्फेस का जो टेम्परेचर है सो मोर ेशन विल टेक प्लेस वो कोल्ड एयर जो होगी वो और ज्यादा मोइस्चर uh, को कैप्चर कर सकेगी सो so, बेसिकली जो बर्फबारी भी है वो थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी एंड दैट इज दी पर्टिकुलर इवेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जितनी भी ज्यादा वार्मिंग होगी उतनी ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन

ग्रेट सॉल्ट लेक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट की एक कॉन्टिनेंटल लेक है जिसको अमेरिका के डेड सी के नाम से जाना जाता है दिस इज कॉल्ड एज दमेरिकाज डेड सी अमेरिका डेड सी क्यों कहते हैं क्योंकि इस लेक का कोई आउटलेट नहीं है किसी दूसरी वाटर बॉडी में तो द ओनली वे इसका पानी जो लूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन से होता है ऐसी कोई बॉडी वाटर बॉडी जिनका पानी सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन से लूज होता है ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो वहां पर जमा होते जाते हैं और उनका पानी की जो सेलिनिटी है वो बढ़ जाती है समुद्र के पानी से भी ज्यादा अधिक सेलिनिटी है तो जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी भी समुद्र के पानी से ज्यादा है सिमिलरली ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ यूटा इसकी जो सैलिनिटी है वो भी बेसिकली समुद्र के पानी से ज्यादा है ऐसी सिचुएशन में जब किसी पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है तो जब हम उसमें तैरने की कोशिश करते हैं जब हम उसमें स्विम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आदमी आसानी से डूबता नहीं है राधर उसको ऐसा फील आता है कि जैसे वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है लेक के पास कोई आउटलेट नहीं है बिना इवेपोरेशन के वजह से उसकी वजह से जो मिनरल्स हैं जो सॉल्ट्स हैं वो उसी पानी में उसी जगह पर अक्यूमलेट होते रहते हैं और धीरे धीरे सेलिनिटी बढ़ जाती है और उसकी पानी की सॉल्ट की वजह से डेंसिटी भी बढ़ जाती है जब पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिकली उसका उसके ऊपर कुछ भी रखा जाएगा तो वो बीच नीचे सिंक uh, नहीं करेगा अदर उसके ऊपर फ्लोट करेगा और ह्यूमन बॉडी भी उसके ऊपर फ्लोट करते तो अगर सॉल्ट लेक में अगर आप तैरने की कोशिश करेंगे यू विल गेट अ फीलिंग ऑफ द फ्लोटिंग ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर सॉल्ट लेक है इन दी वेस्टर्न हेमिसफेयर राइट वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा बड़ी वाली बात है और यूएसए में एग्जिस्ट करती है राइट right? ज्योग्राफी का थोड़ा सा हो गया क चलिए आइए आते हैं जनरल स्टडीज पेपर टू के ऊपर जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हमें बेसिकली इन uh, क्या कहते हैं टारगेट देते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टैटिक टॉपिक को कहां से पढ़ना है अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक दायर किया गया है एक तक द्वार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि माइनॉरिटी स्टेटस फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज शुड बी ग्रांटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज ओके इस पूरी की पूरी बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली माइनॉरिटी होती क्या है और माइनॉरिटी स्टेटस कैसे ग्रांट किया जाता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें

यानी कि धर्म के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम है और बेसिकली भाषा के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम है अब यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनली और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है कैसे ट्रीट करता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो पैन इंडिया बेसिस पर मानी जाती है रिलीजियस रिलीजियस माइनॉरिटी पैन इंडिया बेसिस पर डिसाइड की जाती है यानी कि अब इस पे अगर बात करेंगे तो यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में कोई भी एक धर्म होगा जो कि लार्जेस्ट नंबर का होगा जिसके लोग सबसे ज़्यादा होंगे तो वो मेजोरिटी होगी और बाकी के जो सारे के सारे धर्म होंगे दैट वुड बी कंसीडर्ड माइनॉरिटी लेकिन भाषा जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होती हैं वो स्टेट वाइज होती हैं स्टेट वाइज यानी कि बंगाल में कोई हिंदी भाषी माइनॉरिटी में हो सकता है सिमिलरली अगर हम किसी हिंदी भाषी स्टेट में जाएंगे तो वहां पे बंगाली भाषी जो है वो माइनॉरिटी में हो सकता है मतलब कि भाषा जो है वो स्टेट के बेसिस पर माइनॉरिटी डिफाइन करती है अब इस इस पॉइंट को ये पॉइंट को याद करके अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पेटिशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्यों क्योंकि देर आर सर्टन स्टेट्स इन दी कंट्री जहां पर जो मेजोरिटी धर्म है यानी कि हिंदू धर्म है वो माइनॉरिटी में है

जो माइनॉरिटीज हैं अब स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज की जो सेंटर रेकोगनाइजेशन करता है वो रिलीजियस कम्युनिटीज जैसे कि हिंदू और एक्चुअली सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली नॉन डोमिनेट न्यूमेरिकली इन्फीरियर इन सेवरल स्टेट्स ये याचिकाकर्ता का याचिकाकर्ता का ये कहना है दिस पिटीशन इज एक्चुअली क्लेमिंग एंड आर्ग्यूइंग कि सेंटर ने माइनॉरिटी डिफाइन की हुई है परंतु उन्होंने एक बात को इग्नोर कर दिया है किस बात को इग्नोर किया है कि देर आर सर्टन स्टेट्स जहां पे हिंदू सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली नॉन डोमिनेट है और न्यूमेरिकली इन्फीरियर है एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए लक्षद्वीप में हिंदू धर्म सिर्फ 2.5 परसेंट लोग फॉलो करते हैं मिजोरम में सिर्फ 2.75 नागालैंड में सिर्फ 8 परसेंट मेघालय में 11 परसेंट जम्मू एंड कश्मीर में 28 परसेंट अरुणाचल में उनतीस मणिपुर में 31 और पंजाब में 38 यानी ये वो स्टेट्स हैं जहां पे देश का मेजोरिटी रिलीजन टेक्निकली माइनॉरिटी में है नंबर्स में अगर हम बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर्स की बारे में बात करें एंड दे आर डिनाइड माइनॉरिटी बेनिफिट्स जो कि यूजुअली माइनॉरिटीज को अवेलेबल है माइनॉरिटीज़ को रूल्स अवेलेबल हैं। बेसिकली इसके कॉन्टेक्स में अगर हम थोड़ा सा और जाएंगे तो जो ये याचिकर्ता ने चैलेंज किया है उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 इसके एक सेक्शन को चैलेंज किया है ये सेक्शन को यूज करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटीज को डिफाइन करती है आइडेंटिफाई करती है और नोटिफाई करती है इसी सेंटर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992 की वजह से सेंटर ने छह रिलीजन्स को माइनॉरिटी नोटिफाई किया हुआ है यानी कि हमारे देश में छह रिलीजन्स को ऑफिशियल माइनॉरिटीज uh, का दर्जा दिया गया है चैलेंज इसी को किया गया है कि ये गलत किया गया है सेंटर के पास ये पावर है इन्होंने गलत किया है क्योंकि देर आर सर्टेन स्टेट्स जिसके अंदर बेसिकली जो मेजोरिटी रिलीजन है वो माइनॉरिटी में है और इन्होंने रेफरेंस के लिए बताया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी दो की उस जजमेंट को बोलते हैं टीएमए पाई केस एम पाई केस राइट 2003 का एक केस था केस के नाम से जाना जाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स में टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों माइनॉरिटीज को स्टेट के लेवल पर आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए ना कि नेशनल लेवल पर जैसा कि जनरली किया जाता है एज आई टोल्ड यू कि माइनॉरिटीज जो हैं रिलीजियस माइनॉरिटी तो पैन इंडिया डिफाइन होती हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट वाइज होती हैं तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी जो पैन इंडिया डिफाइन होती है ये होती किस वजह से हैं स्पेसिफिकली इस नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज एक्ट ऑफ 1992 की वजह से माइनॉरिटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है परंतु मेंशन किया गया है और वेरी स्पेसिफिकली देर आर सर्टेन आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में जो छठा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स का आपने पढ़ा होगा उसके अंदर दो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नंबर थर्टी आर्टिकल नंबर ट्वेंटी कल्चर एजुकेशन राइट्स का जो मौलिक अधिकार है ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज चाहे वो लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हो अधिकार देता है कि जो भी लोग जो भी सेक्शन ऑफ सिटीजन कहीं पर भी माइनॉरिटी में हो उनको अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है सो so, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट से तो डायरेक्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को असेस कर दिया और कल्चर के अंदर रिलीजियन माइनॉरिटी को भी बेसिकली रख दिया गया आर्टिकल नंबर थर्टी अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ अंडरस्टैंड करते हैं right है तो माइनॉरिटीज है दोनों के, दोनों के हैं बट रिमेंबर आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज के पर तो अप्लाई होता है साथ ही साथ मेजॉरिटी पर भी अप्लाई होता है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है कि आर्टिकल ट्वेंटी की जो लैंग्वेज है वहां पर वर्ड यूज किया गया है सेक्शन ऑफ सिटीजन स दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन चाहे वो माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो सुन so दंट्री कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है बट आर्टिकल थर्टी इज वेरी स्पेसिफिकली माइनॉरिटी वाला ये माइनॉरिटी का मेंशन करता है और यह माइनॉरिटीज के ऊपर अप्लाई होता है विद दी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहां पर याचिकाकर्ता कहना चाहता है बेसिकली उसकी ये क्लेम है या argument है कि देर आर सर्टन स्टेट्स जहां पे मेजोरिटी रिलीजन माइनॉरिटी में है दे आर नॉट एबल टू हैव बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल माइनॉरिटीज के लिए एक और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड ए है इसका मतलब ये एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये कहता है कि देर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एक स्पेशल एक एक ब्यूरोक्रेट को एक ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एक इंडिविजुअल को बनाते हैं बिठाते हैं जिसका काम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको राइट्स देता है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए वेदर दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट ये वाली बात है स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के बारे में बात करें तो जो मैंने आपको बताया था कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट ऑफ 1992 है इसकी वजह से इसके इस दिस एक्ट गिव्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई एज माइनॉरिटी और इस एक्ट के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैन इंडिया छह रिलीजन को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया है नोटिफाई किया है ऑफिशियली दैट इज मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन एंड दी पारसीज ऑल्सो कॉल्ड एज दी जोरेस्टेरियंस

थोड़ा सा बढ़ गया होगा मुस्लिम्स uh, की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 18 करोड़ इमेजिन कीजिए कि 18 करोड़ मुस्लिम हैं अब यहां पे दूसरे छोटे वाले जो माइनॉरिटीज हैं उनके बारे में देखते हैं तो उनसे कुछ आइडिया लगेगा हमें परस्पेक्टिव मिलेगा कि, कि लो, कितने लोग uh, कितने क्या नाम है पॉपुलेशन क्या है द थर्ड फॉलोड रिलीजन इन इंडिया इज क्रिस्टियनिटी उनकी पॉपुलेशन है टू यानी कि मोटा मोटी तीन करोड़ के करीब क्रिश्चियंस हैं देश के अंदर तीन करोड़ के करीब और उसके बाद सिख सिखिज्म फॉलो किया जाता है 1.7 परसेंट लोगों के बाद यानी कि मोटा मोटी दो करोड़ लोग सिखिज्म फॉलो करते हैं टू करोड़ बुद्धिज्म 0.7 परसेंट यानी कि 90 लाख के करीब लगा लीजिए थोड़े से इस समय पॉपुलेशन को बढ़ाएं वैसे यहां पर 8.4 पॉइंट लिखा हुआ है यानी कि चौरासी लाख नाइन नाइनटी के करीब मान के चलते हैं 90 लैक्स और इन सारी माइनॉरिटीज़ में जैन बहुत ही ज़्यादा कम है जैन है 0.4 फोर परसेंट फिफ्टी लैक्स के करीब मान लीजिए राइट right? 45 फाइव यहाँ पर है तो थोड़ा सा बढ़ गया ये 1.2 बिलियन के कॉन्टेक्स्ट में है तो ये 50 लाख हो गए और सबसे छोटी माइनॉरिटी अगर हम बात करें तो दैट वुड बी द जो और दी पार्सिस जिनके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है राइट वेरी ड्रेस्टिकली कम है बेसिकली राइट दैट इज द सिचुएशन चलिए ये याद आएगा माइनॉरिटी से संबंधित एक टॉपिक है आ जाते हैं हम पेपर थ्री के ऊपर पेपर थ्री में भी एक आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंडियन इकॉनमी का रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई पब्लिक और जो प्राइवेट बैंक है उनके एमडीज़ और सीईओज़ के साथ कुछ बातें डिस्कस करने के लिए ठीक है कुछ बातें डिस्कस करने के लिए उन बातें डिस्कस कौन कौन सी हुई है और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट और कौन कौन से सार हैं एक बार उनको देखते हैं सी क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो इशूज हैं उसके ऊपर यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है मोर इंपॉर्टेंटली यूपीएससी का बहुत ही पसंद के मतलब uh, इकोनॉमी जो है बहुत पसंद का सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में बड़े सारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आई थिंक प्रीलिम्स में चार सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है द वन इज द पॉलिटी पॉलिटी में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनदर वन इज ज्योग्रफी ज्योग्राफी में भी बेसिकली 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं एंड द अदर टू आर एनवायरमेंट एंड दी इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी द इकोनॉमी अगर आप में से कोई भी प्रीलिम्स क्लियर करने की इच्छा या फिर बेसिकली एस्पिरेशन रखता है तो ये चार सब्जेक्ट्स बहुत ही फंडामेंटली अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होने चाहिए ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ा जा सकता है डेफिनेटली नॉट हाउएवर

जो क्रेडिट दिया जाता है बैंक जो लोन देता है वो सत्रह प्रतिशत बढ़ चुके हैं रादर देन एन ईयर टू ईयर बेसिस कहने का मतलब क्या हुआ इसको अगर हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें तो एक तो हो गए डिपॉजिट यानी कि जो जनता जो पैसा बैंक में जमा करती है एक जो क्रेडिट यानी कि जो बैंक जो लोन देता है, so जो है वो उसके अंदर बढ़ो, बढ़ोतरी हुई है आठ से ग्यारह यानी पिछले साल लास्ट ईयर 11.2 परसेंट बढ़े थे और इस साल 8 परसेंट के करीब बढ़े हैं 8.2 परसेंट बढ़े थोड़ी सी कमी आई राइट 8.2 परसेंट बढ़े हैं क्रेडिट के अंदर थोड़ा सा उल्टा हुआ है पिछले साल सात प्रतिशत बढ़े थे लेकिन इस साल सत्रह प्रतिशत बढ़े हैं पिछले साल सात प्रतिशत बढ़े थे और इस साल सत्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है अब ये डेटा हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा किसी न किसी चीज के बारे में लेट एस सी अबाउट इट सी थोड़ा सा बेसिक खुद अंडरस्टैंड करते हैं क्रेडिट यानी कि बैंक लोन दे रहा है ठीक है और लोन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दैट मींस पीपल आर टेकिंग लोन लोग लोन ले रहे हैं लोग जब लोन लेते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है पीपल कैन अफोर्ड द लोन लोन तभी अफोर्ड होगा जब उन्हें कोई चीजें खरीदनी है गाड़ी खरीदनी है फोन खरीदने हैं टी वी खरीदने हैं बिजनेस में लगाना है दैट मींस द पीपल आर टेकिंग लोन तो दिस इज अ साइन की इकॉनमिक एक्टिविटी बढ़ रही है राइट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है so एक sign तो एक साइन तो यहाँ पर पता चल गया है कि पेंडेमिक की वजह से जो थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्प्रेस हुई थी अब वो वापस से जोर पकड़ रही है पीपल आर अगेन टेकिंग द लोन बट अब एक इंपॉर्टेंट वाली बात बैंक जो ये क्रेडिट है ये जो लोन देता है ये देता कहाँ से है जो जनता पैसे जमा कराती है जो जनता डिपॉजिट करती है पैसे बट डिपॉजिट में गिरावट आई है यहां पर ग्यारह पॉइंट टू परसेंट डिपोजिट हुए थे and that has actually बैंक के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो क्रेडिट कैसे देंगे जिसके लिए बेसिकली आर ने बैंक्स की मीटिंग बुलाई थी एंड वर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट इट तो जो क्रेडिट ग्रोथ है सात से सत्रह प्रतिशत ये तो डायरेक्ट फॉरवर्ड है कि पेंडेमिक की रिकवरी होने लग रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ठीक है पर ये स्लो डिपॉजिट ग्रोथ क्यों है स्लो डिपॉजिट ग्रोथ यहां पे पहले तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि स्लो डिपॉजिट ग्रोथ इतना ऐसा कम नहीं हुआ है दिस डेटा जो सेवन परसेंट से मतलब ग्यारह परसेंट से एट पॉइंट परसेंट है तो मटीरियली कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है बस ये है कि क्योंकि क्रेडिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसलिए हमें थोड़ा सा फर्क दिख रहा है लेकिन अगेन मीटिंग हुई है तो कुछ ना कुछ बात होगी सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में तो जो आरबीआई गवर्नर ने बैंक मैनेजर्स मैनेजर्स ने एक्चुअली एमडी और सीईओ की जो मीटिंग बुलाई थी इसके लिए इन्होंने क्या किया सबसे पहले तो इन्होंने बैंकों को आगाह किया है कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स के लिए सबसे पहले किसके बारे में ग्लोबल हेडविंड के बारे में हेडविंड्स एक इकोनॉमिक टर्म होता है मतलब वैसे तो अंग्रेजी का टर्म है लेकिन जब इसको इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हेडविंड का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे ग्रोथ रुकने की संभावना हो जाती है हेडविंड होती क्या है अगर हम देखें हेडविंड जो कि सामने से हवा आ रही है और जब हमारी सामने से हवा आती है तो हमें ड्रैग मिलता है हमारी जो स्पीड होती है एक्सीलरेशन होती है जो कम हो जाती है तो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में इकॉनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप यह वर्ड सुने हेडविंड्स इसका मतलब ऐसी चीजों के बारे में बात की जा रही है जिससे ग्रोथ रुकने की संभावना बढ़ेगी ग्लोबल हेडविंड्स यानी कि पूरे के पूरे ग्लोब में ऐसे वो वाले इवेंट्स जिससे ग्रोथ रुकने की चांसेस ज्यादा हैं। तो आरबीआई ने बोला कि देखो तीन ग्लोबल हेडविंड हैं इस समय में देर आर थ्री मेन सोर्सेज जिससे इस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रोथ या प्रोग्रेस या जीडीपी पे किसी ना किसी प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कोई फर्क न पड़ जाए और कौन कौन सी ग्लोबल हेडविंड्स है सबसे पहले रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है दैट इज गोइंग टू इफेक्ट इन वन वे और दी अदर इकॉनमी में किसी न किसी प्रकार का स्लो डाउन इफेक्ट डालेगी देर इज एन इकॉनमिक स्लो डाउन इन चाइना चाइना भी इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा है और क्योंकि वो वर्ल्ड इकोनमी से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड है एनी इफेक्ट इन चाइना विल ऑब्वियसली भी रिपल्ट अक्रॉस अदर इकॉनॉमीज एंड देन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग पिछले डेढ़ से दो सालों में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की संभावना है इसके साथ साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट वाली बात है देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क जैसे जैसे ग्लोबल स्लोडाउन होगा तो ये जो ग्लोबल हेडवेंट्स की वजह से इन इवेंट की वजह से अगर कोई भी ग्लोबल स्लोडाउन होता है economy, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो थोड़ी सी कम हो जाएंगी तो सारे के सारे देश हैं वो मॉनिटरी पॉलिसीज को टाइटन करेंगे एडवांस्ड इकोनॉमीज दे आर बींग टाइट मॉनिटरी पॉलिसीज को टाइट करना एक बार इसको भी कॉन्सेप्ट में समझते कि मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करना क्या होता है what is बेसिकली टाइटनिंग ऑफ the मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी सरल शब्दों में बात की जाए जब किसी कंट्री का जो बैंक है किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक है जब किसी भी कंट्री का बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे और मनी सप्लाई को कम कर दे देश के अंदर जितना पैसा है उसको किसी प्रकार से कम कर ले देर आर सेवरल वेज टू डू इट बट मनी सप्लाई को कम कर दिया ये जो चीज है इसको कहते हैं टाइटनिंग ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसीज़ को टाइट कर दिया पैसे को बेसिकली टाइटली होल्ड कर लिया गया है पैसे को रोक दिया गया है अब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो लोग कम लोन लेंगे भाई अगर छह परसेंट पर गाड़ी का लोन मिलेगा तो लेट से कि दस हजार लोग ले लेंगे लेकिन अगर सेम लोन नौ परसेंट पर मिलेगा तो शायद दस हजार लोग ना लेके आठ हजार लोग लेंगे सेम लोन अगर बारह प्रतिशत पे मिलेगा तो शायद छह हजार की वजह सिर्फ चार हजार लोग वो ले, लोन लेना पसंद करेंगे तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है लोग कम लोन लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है मॉनिटरी पॉलिसी टाइट हो गई उसके बाद मनी सप्लाई अगर पूरी की पूरी एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी है अगर बैंक उस मनी सप्लाई को कम कर देता है किसी प्रकार से फिर दोबारा से होगा मनी सप्लाई कम है यानी लोग कम चीजें खरीदेंगे लोगों के पास पैसा कम होगा बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम होगा एंड सो ऑन एंड ऑन इन सेंस ये जो सिचुएशन होती है अगर ऐसा करेंगे सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन होती है कोई बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों डिक्लाइन करने की कोशिश करता है शायद इन्फ्लेशन की वजह से अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है पैसा बहुत ज़्यादा बेसिकली लोग चीज़ों का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कभी कभी मॉनिटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ता है सो द थिंग इज दैट कि जो ये ग्लोबल हेडविंड्स हैं यानी ये जो इवेंट है इंटरनेशनली जो हो रहे हैं इन इन इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं आने वाले समय में अपनी जो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी उसको टाइट कर सकती है अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करेगी तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि पैसा जो है इंटरनेशनल पैसा जो है उसको खींच के रोक लिया जाएगा वैन दैट विल हैपन इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होंगी वो कम होगी एंड दिस विल ड्रैग दिस विल ड्रैग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करेगा तो वहां के जो लोग होंगे वो कम खर्चा करेंगे कम खर्चा करेंगे तो चीजें कम खरीदा करेंगे कम खरीदा करेंगे मतलब जो डिमांड है वो कम हो जाएगी लोअर एक्सटर्नल डिमांड यानी कि हम जो उनको चीजें बेचना चाहते हैं अगर हम हजार चीजें बेचना चाहते थे अब वो खरीदेंगे 900, क्योंकि उनके पास पैसा कम है क्योंकि उनके बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं दे कांट कांड इट सिमिलरली हायर ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट वही मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे जो बिजनेस करना होगा वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एंड दैट इज वट दी आर बी आई वॉज बेसिकली डिस्कसिंग विद्क्स फॉर नाउ आई थिंक इसमें से दो तीन कॉन्सेप्ट आपको होपफुली क्लियर हो गए हूँ दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था आरबीआई का बैंक के साथ दैट वॉज रिलेटेड टू द्वालिटी एसेट क्वालिटी एसेट किसके बैंक्स के एसेट जो होते हैं बैंक्स के एसेट बैंक्स के एसेट क्या होते हैं बैंक्स के एसेट का मतलब बैंक्स ने जो लोन्स दिए हुए हैं लोन इज एन एसेट राइट लोन इज एन एसेट लोन से पैसा आ रहा है मैं सौ करोड़ रुपए बैंक हूं मैंने सौ करोड़ रुपए दिए मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उसका हर महीने एक करोड़ रुपए दो करोड़ रुपए अब अगर मेरे पास अच्छा लोन है यानी ऐसा लोन जो कि मुझे रेगुलर इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज अ गुड एसेट लेकिन अगर मैंने किसी ऐसे आदमी को लोन दे दिया है जो कि लॉस में जा रहा है तो उसको दिए सौ करोड़ रुपए हैं और वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है इंटरेस्ट का नाउ दैट इज अ बैड एसेट आरबीआई डिस्कस कर रहा है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंकों के वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं ज ए गुड थिंग ऐसे लोन जो कि डिफॉल्ट होने वाले थे Assets, और भी कम होने की है। देखो, क्या होता है एनपीए का मतलब हुआ भाई नॉन ऐसा लोन जो की वापिस नहीं आ रहा है ऐसा लोन जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है डिफॉल्ट कर दिया है सामने वाले ने पैसा नहीं दिया अब अलग अलग जगह पे लोन दिए जाते हैं कॉर्पोरेट को लोन दिए जाते हैं राइट एग्रीकल्चर को लोन दिए जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिए जाते हैं एमएसएमई को जो मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन दिए जाते हैं एमएसएमईज को जो लोन दिए जाते हैं तो अलग अलग लोन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं राइट right? कॉर्पोरेट का कुछ और होगा एग्रीकल्चर का कुछ एमएसएमई का कुछ सो द रिपोर्ट इज सेइंग कि कॉर्पोरेट के जो एनपीएस हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट दे आर डिक्लाइनिंग

सपोज कीजिए कि पूरे देश में दस लाख करोड़ का लोन दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि एमएसएमई को पंद्रह प्रतिशत यानी कि डेढ़ लाख करोड़ का लोन दिया गया है जिसके एनपीएस जिसमें ज्यादा फेलियर होने की चांसेस बढ़ गए हैं ज्यादा फेलियर होने के ऑप्शंस होने की संभावना है दैट इज बेसिकली वॉटिकली आरबीआई राइट नाउ कॉर्पोरेट लोन फॉर नाउ थोड़े से सही है एसेट क्वालिटी अब यहां पर इससे एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट क्वालिटी से एनपीएस से बैंक से एसोसिएटेड ठीक है स्लो डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में बात करें ये जो बैड लोन होते हैं बैड लोन यानी कि जो पैसा बेसिकली रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है इसको बैंक्स अपनी बैलेंस बुक से क्लियर करने के लिए एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है स्पेसिफिकली जो कि इन लोन को जो कि फेल हो चुके हैं डिफॉल्ट हो चुके हैं जिनको कलेक्ट करना पैसा है बैंक से लेके रिकवरी करने की कोशिश किया करेगा आइडिया इज टू क्रिएट अ बैड बैंक टू हाउस बैड लोन ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ एंड अब और इज ए बैंक गुड मैं बताता हूँ बैंक होता है देखिए बैंक बड़े बड़े लोन देते हैं पांच सौ करोड़ के हजार करोड़ के दस हजार करोड़ के ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोन देने पड़ते हैं बैंक को, बड़ी बड़ी कंपनी को बड़े बड़े लोन होते हैं ठीक है जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो वो जब उसका पैसा इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है प्रिंसिपल उसकी पेमेंट होनी ईएमआई यानी बंद हो जाती है तो उसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए ठीक है ये बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर शीट बहुत बड़ा नुकसानदेह वाली चीज है ऐसे में क्या किया जाता है इज एक तरीका है इन चीजों को इन चीजों से आगे बढ़ने का ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया जाता है इट इज सोल्ड टू ए डिफरेंट बैंक डिफरेंट बैंक अब ये क्या करते हैं जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम ठीक है ठीके? एक बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक है ICICI bank है, और आईसीआईसी बैंक ने एक को किसी को 500 करोड़ रुपए का लोन दिया था 500 करोड़ रुपए का लेकिन पिछले छह महीने से वहां से कोई ई नहीं आई

राइट right? थोड़ा सा इन्होंने नाम लेने में थोड़ी सी गलती कर दी है बैंक तो एक्चुअली में गुड हुआ अच्छा काम कर रहा है लेकिन इसको बैड लोन मिला हुआ इसलिए लिमिटेड इज सॉर्ट ऑफ अ बैड बैंक एसेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का काम होगा ऐसे बैंक के लोन को लेना जो कि डिफॉल्ट हो जाते हैं बैड बैंक एक ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जो कि ई e लिक्विड और हाई रिस्क एसेट को बैंक के द्वारा जो होल्ड करते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या बैंक के पास जो ऐसे वाले लोन है जिनपे पैसा नहीं आ रहा ये उसको ले लेते हैं ठीक है दे टेक इट हाँ ये लैंडिंग नहीं करता दे आर टेकिंग डिपॉजिट ये डिपॉजिट नहीं लेता बस ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक की मदद करता है उसकी रिकवरी के अंदर और उनकी बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए राइट right? इसका नाम बैंक है इसका ये मतलब नहीं है कि बेसिकली आप इसके अंदर पैसे जाके जमा कर सकते हैं या पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका अगर टेक्निकली नाम माना जाए तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसेट यानी बैंक रिकंस्ट्रक्शन क्योंकि जो खराब हो चुके हैं उनको दोबारा से बनाने के लिए एंड टर्मिनोलॉजी में इसे बैड बैंक कहा जाता है क्योंकि ये बैड लोन को हैंडल करता है राइट ग्रेट चलिए जनरल स्टडीज थ्री के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं इंडियन इकोनॉमीज प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पहले तो पूरा नाम याद कर लीजिए पहले सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हुआ करती थी और अब इसका नाम बल बड़ा सा कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज इन्होंने बहुत बड़े लाइक वेरी वेरी बिग 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 प्रोजेक्ट को एन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी है कहाँ पर स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बनाने के लिए दैट डजेंट हैपन वेरी ऑफ टाइम सो हैंस यहाँ पर अब हमें जोग्रफी भी करनी है एनवायरमेंट भी करनी है बायोडाइवर्सिटी भी करनी है रिलेटेड टू द ग्रेट ग्रेट निकोबार आईलैंड ग्रेट निकोबार आइलैंड इज ऑबसली लोकेटेड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड येस इट इज़ लोकेट इन द इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईलैंड की जो चेन है वो हमारे पास इंडियन टेरिटरी में आती है अगर वहाँ पर इंडियन नेवी का दबदबा बना रहे तो पूरे के पूरे इंडियन ओशियस को इंडियन नेवी डोमिनेट कर सकती है जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जो एनर्जी की नीड्स हैं, उसका जो ऑयल और गैस है वहां से पास होता है इन अ सर्टेन सिचुएशन ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना अगर हमारे पास अंडमान एंड निकोबार में डोमिनेशन है नेवी की वी कैन एक्चुअली ब्लॉक दैम एंड वी कैन कट देयर एनर्जी सप्लाई वेरी हाइपथेटिकल सिचुएशन आई एम नॉट सजेस्टिंग इट टू एनी ओके सो यहां पे लिए इसके लिए एक बहत्तर हजार करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसको एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दी है बिकॉज दीज एरियाज आर स्ट्रेटेजिक अकॉर्डिंग टू मिलिट्री व्यू पॉइंट ऑल्सो बट दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी प्रकार से डाइवर्सिटी पे तो भाई सोचो बहत्तर हजार करोड़ का कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो बेसिकली कहीं पर ले जाना राइट दैट विल ऑब्वियसली अफेक्ट सम प्लेसेस और द अदर साल का प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है। इज़ लाइकली टू क्रिएट न्यू जॉब्स एंड इंटरनेशनल पोर्ट दिल बी अ पावर प्लांट दिल बी एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल बी अ टाउनशिप दिल बी ग्रीन फील्ड टर्मिनल ऑल्सो मैं आप दिखाऊंगा कहां पे दिस इज वट एग्जैक्टली प्लान इज ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है जो कि अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है एंड दिस होल एरिया इज सपोजिडली सपोज टू बी बेसिकली प्लैंड और जो बाकी का बाकी पूरा एरिया है दैट इज जनरली दयोस्फेयर रिजर्व अब देखो ये टॉपिक आ गया है तो एकदम कर लेते हैं कि ग्रेट निकोबार में अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन से बायोस्फेयर रिजर्वस है एंड इफ इट इज विजिबल तो अच्छी बात है लेकिन मैं बता देता हूँ कैम्बेल बे नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द ग्रेट निकोबार इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट कभी पास नहीं होता रेगुलरली ग्रेट निकोबार बायोस्फे रिजर्व गैलथिया नेशनल पार्क फॉर नाउन थ्री ऑफ इज बेसिकली स्पेसिफिकली अवेलेबल अब यहां पर एक ग्रीन फील्ड पोर्ट बनेगा बड़ा पोर्ट जिसको नेवी हैंडल करा करेगी एंड दिस इज वेयर इट इज गोइंग टू बी प्रोपोज पोर्ट दिस गोइंग टू बी न्यू एयरपोर्ट दिस इज वेयर इट इज सपोज टू बी न्यू अपोज एयरपोर्ट तो ये जो प्लान है ये स्पेसिफिकली किया गया है पर्पज क्या है इकोनॉमिक रीजन भी है स्ट्रेटेजिक रीजन भी है, strategic, uh, strategic reasons भी है. वहाँ पे इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जब तक हमें जब भी जरूरत पड़े प्रोजेक्ट इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी और कंसोलिडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार पाकिस्तान चाइना अपना इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा बढ़ाता जा रहा है सो आवर इंडिया नेवी एक्चुअली नीड्स अ वेरी अर्जेंट प्रेजेंस समवेयर इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू सो दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज बेसिकली काइंड ऑफ एन अर्जेंट टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशियन स्पेसिफिकली बट लाइक एनी बिग एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट दि इज ऑलवेज कंसर्स एसोसिएटेड विद इट बिकॉज इट्स मैसिव मैसिव एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट ट्रीज काटे जाएंगे ल रीफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाएगा हो जाएगा बिकॉज दिस इज अजर प्रोजेक्ट मैंग्रोव की डिस्ट्रक्शन होगी एंड देन देर आर इंडीजीनियस ट्राइब्स देफेक्टेड इन वन वे और दर मीट दिस इज प्रोजेक्ट आई कांट एक्चुअली वी कैनट एक्चुअली अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ दिस प्रोजेक्ट यहां पर हमें प्रलिम्स की नजर से अगर सोचें तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे दो इंडिजीनियस ट्राइब्स रहती है और उन दोनों ट्राइब्स के नाम आपको याद होने चाहिए शॉम्पेन एंड द निकोबार इज ट्राइब

विच आर रेयर दे नॉट फाउंड एनी वे रेल्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं उसमें इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ देखिए द प्रोजेक्ट एरिया विल फॉल बिटवीन अ टेन किलोमीटर रेडियस ऑफ द गैलाथिया बे नेशनल पार्क एंड द कैम्बल बे नेशनल पार्क जहां पर ऑब्वियसली इतने बड़े नेशनल पार्क के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेगा तो किसी ना किसी प्रकार का इफेक्ट होगा ही होगा अगर ये मेंस में आपसे पूछ लिया जाए, कि अगर करना ही है तो क्या किया जाता है सबसे पहले जितने भी अगर हम मैप को देखें लुक द होल मैप इज नेशनल पार्क अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्टफ राइट सारा का सारा यहां कैम्बेल पार्क है ये गैलेथिया नेशनल पार्क है राइट right? ये ग्रेट निकोबर बायोस्फेर रिजर्व है ये सिर्फ और सिर्फ उसके ईस्टर्न साइड पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन होगी राइट right? अगर ऐसी जगह पे अगर हमें करना ही है तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बना देने चाहिए इन फॉरेस्ट को और शीश शोर्स को अटैच करने के लिए टर्टल्स की स्पेशल प्रोटेक्शन क्योंकि वो जो लेदर बैक टर्टल है वो स्पेसिफिकली यहीं पर पाया जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट के समय में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो ध्यान रखें कि जो डिस्पोजल ऑफ जो वेस्ट है उसको कहीं पर भी समुद्र में या जंगलों में ना कराया जाए समथिंग समथिंग लाइक दैट पढ़े इसके बारे में ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है दिस इज बेसिक नॉलेज ओके आई डोंट थिंक सो आई नीडेड टू टेल यू बट दिस इज क्वाइट बेसिक नॉलेज कि अंडमान और ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है दे आर सेपरेटेड द द द डिग्री चैनल नथिंग सरप्राइजिंग राइट एंड इज मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अंडमान एंड निकोबार का दैट इज द इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट सबसे बिल्कुल लास्ट वाला इंडिया का सबसे जो दक्षिण दक्षिणी जो पॉइंट है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट दो मैंने अभी अभी बताए थे वहां पे जो दो ट्राइब्स पाई जाती हैं इंडिजीनियस टू तो दी ग्रेट निकोबार आईलैंड ट्राइबल पीपल और यहाँ पे मेरा जो फोकस है आज के दिन पे वो है -बैक सी के ऊपर यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप आई appreciate यू कैन अप्रिशिएट इट लाइक आई एम not but इट नॉट बट दिस टर्टल इज एन एपस्यूटली ब्यूटी it in person I think we'll actually uh,

500 किलो का कौन सा कछुआ होता है यार शेर या बाघ जो होते हैं उनका भी वेट होता है 250 टू 350 केजीस दिस थिंग लुक इन द साइज कैन यू अप्रिशिएट मतलब देयर इज नथिंग टू स्केल के लिए कुछ है नहीं इट इज अ बिग एनिमल राइट नॉट अ प्रॉब्लम ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स आई थिंक वी ऑबवियसली हैव टोल्ड दिस ये जो तीन मैंने आपको बताए थे दिस इज गैलेटिया नेशनल पार्क स्पेसिफिकली गैलेटिया दिस इज कैम्बेल नेशनल पार्क ये दूसरे वाला एंड दिस वन इज द कैम्बेल बे नेशनल पार्क देख लीजिएगा एक बार इसको आपको हेल्प मिलेगी चलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रेगुलेशन 2022 हजार क्रॉप्स मालूम है क्या होता है इट्स ऑल इन द नेम व्हाट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि ऐसी चीजें जिनका अंदर का डीएनए जेनेटिक्स जो है किसी प्रकार से मॉडिफाई किए हैं साइंस की तरफ से स्पेसिफिकली हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफ कुछ खाने के सामान आप देख के उठा के देखिए कहीं ना कहीं पे एफ का स्टैंप लगा होगा मैगी पे कैचअपे कुछ ना कुछ लगा होगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि देश में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सेफ्टी को हेल्प करती है फूड सेफ्टी और खाद्य पदार्थों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए बात करती है Hence, इन्होंने रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रेगुलेशन को रिलीज किया है सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल कि देश के अंदर जेनेटिकली अगर फूड सेल होते हैं या बेचे जाते हैं या उगाए जाते हैं तो वट आर द रूल्स दे एक्चुअली हैव टू फॉलो बात करते हैं सबसे पहले किस पे अप्लाई होगा इन द नेम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंटेंडेड फॉर दूड यूज ठीक है देखो नॉन फूड भी हो सकता है थिंग जो कॉटन का जो प्लांट है राइट right? उसके बीच भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जा सकते हैं लेकिन कॉटन को फूड के लिए फूड के लिए यूज नहीं होता है. तो यह स्पेसिफिकली किसके लिए किया गया है उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनको फूड के लिए यूज किया जाएगा अब स्पेसिफिकली अगर डेफिनेशन की बात करें फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन मॉडिफाइड डीएनए, यानी कि लेब्रेटोरी के अंदर जब किसी फूड के डीएनए में कोई चेंजेस किया गया है और फिर उसको फूड की तरह कंज्यूम किया जा रहा है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड स्टफ है इसको बेसिकली रेगुलेट करने के लिए कुछ बोला गया है स्पेसिफिकली पहला तो रूल है ऐसे फूड और फूड इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस फ्रॉम जीएमओस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड पैक्ड स्टोर सोल्ड मार्केटेड विदाउट दी प्रायर अप्रूवल ऑफ द फसाए सो अगर देश के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचना है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके लिए फसाए एफ की परमिशन लेना कंपल्सरी है मैंडेटोरी है और उसके साथ साथ फूड लेबलिंग इंटरेक्शन क्या नाम है इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं पैकेज फूड प्रोडक्ट जिसमें एक प्रतिशत से भी ज्यादा जीएम इंग्रीडियंट्स है मस्ट बी लेबल्ड विद द वर्ड कंटेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे हम फूड खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन डॉट लगा होता है दैट मीनस वेजिटेरियन है ये राइट right? एक ब्राउन डॉट होता है इसके अंदर नॉन वेजिटेरियन स्टफ है उसी प्रकार से अब जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड स्टफ होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि इट कंटेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द अदर प्रोडक्ट्स जीएमओ ओ एक बार दोबारा से बात करते हैं जीएमओ होता क्या है क्या थोड़ा सा क्लियर हो जाए राइट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अ नॉवल कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑबटेन्ड थ्रू द यूज ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी तो जैसे ये क्या है अमरूद है या संतरा है या सेब है क्या ले लिया हमने इस पे इस प्रकार से जो ये रेगुलेशन है अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इसके अंदर किसी प्रकार के प्रोडक्ट है सो इट विल बी जीएमओ अगर नहीं है तो ऑब्वियसली मार्क करने की कोई जरूरत नहीं होगी विल ऑब्वियसली अज्यूम कि दिस इज नॉन जी तो बायोटेक्नोलॉजी से फूड प्रोडक्ट्स को चेंज किया जा सकता है उनके डीएनए को चेंज किया जा सकता है उससे कुछ होता है भाई जैसे कोई सेब है उसको थोड़ा सा ज़्यादा लाल किया जा सकता है थोड़ा सा ज़्यादा मीठा किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ किया गया है किसी भी पर्टिकुलर डी में या फूड के अंदर दैट हैज टू बी मार्ग उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है एंड धीरे धीरे वो रिसर्च में बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और काम उसका बढ़ रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं वॉट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन दी कंट्री फॉर दिस स्पेसिफिकली देखो सबसे ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब दिस इज काइंड ऑफ ऑब्वियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब गवर्मेंट ऑफ इंडिया में दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्योंकि जीएमओज जो क्रॉप्स हैं या फूड हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट द इनवायरमेंट राइट किसी ना किसी प्रकार से एनवायरमेंट पर इफेक्ट करेंगे सो दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ देवर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द बायो बिकॉज़ दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड तो वो करना ही बेसिकली बायो और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है तो हैंस इट इज बेसिकली दी बायो टेक्नोलॉजी वाले से बात करते हैं एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर है नाम को ध्यान से देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ऐसी कमिटी जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करे हुए चीजों को अप्रेज करती है उनको अनालाइज करती है उनको अंडरस्टैंड करती है और वो किसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंदर यूपीएससी बड़े क्वेश्चन पूछती है कि ये जो चीज है ये कहां से पूछी गई है ये चीज ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री में आता है दैट इज समथिंग दिस सिर्फ इस बात के ऊपर फोकस करना स्पेसिफिकली रेस्ट आई बिलीव यू शैल बी एबल टू डू इट अच्छा ये भी फैक्ट अच्छा है देखो इंडिया में बोने के लिए सिर्फ और सिर्फ बी कॉटन जो बैक्टीरिया है उसका डी एन ए काट के अंदर इसके इसके एड किया गया है इसीलिए बीटी कॉटन और ये मॉडिफाइड क्रॉप है यह वाली क्रॉप इंडिया में उगाना अलाउड है दो हजार दो के अंदर दो हजार नौ में ये जो जेनेटिक अप्रेजल कमेटी है इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो इस चीज की परमिशन देती है इन्होंने बीटी यानी कि ब्रिंजल थ्रिंजेसिस ब्रिंजल को भी बेसिकली परमिशन दी थी बट वो एफर्ट बेसिकली स्टॉल हो गया था अप्रैल 2000 में इंडिया ने इंपोर्ट भी किया है एक्स्ट्रा पांच हजार पांच लाख पचास हजार टन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि थोड़ा थोड़ा हम अब उसको ला भी रहे हैं किसी प्रकार से बट ये इंफॉर्मेशन जो है आपके प्रेलिन में आपके लिए काम आ जाएगी स्पेसिफिकली ठीक है चलिए कोई बात नहीं आगे बात करते हैं एफ के बारे में प्रिलिम्स प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स के बारे में बता देता हूं वेरी स्पेसिफिकली विच इज दिस वन इज और आज एक्चुअली में जो प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं उनको आप सुनिएगा दे आर एब्सोलूटली इंटरेस्टिंग मतलब कि वो पूछने बनते हैं दे शुड एक्चुअली बी आस्ट द फर्स्ट वन इज निकोबारी होडी क्राफ्ट निकोबारी होडी क्राफ्ट क्या होता है यू सी दिस बोट काइंड ऑफ अ थिंग एक इंडिजीनियस तरीका है इन पर्टिकुलर बोट्स को बनाने का और दे आर कॉल्ड एज द निकोबारी होडी क्राफ्ट तो जो ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन रजिस्ट्री है देश की उन्होंने को एक, एक, एक एप्लीकेशन मिली है जीआई टैग के लिए कि इस चीज़ को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाए स्पेसिफिकली फॉर द निकोबारी होडी क्राफ्ट निकोबारी हो होडी क्राफ्ट एक प्रकार की बोट है बेसिकली कनो कनो कहा जाता है इनको जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पे बनती है एंड इट इज़ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ़ द निकोबारी ट्राइब मेरे पास इसकी अच्छी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर नहीं थी मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसको एक बार गूगल पर सर्च करें कि निकोबारी होडी क्राफ्ट जो होती है वो होती क्या है बोट है एक प्रकार की पर्टिकुलर बोट है जो कि स्पेसिफिकली निकोबारी आइलैंड में जो निकोबारी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो यूज़ करते हैं द टेक्निकल स्किल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग अ होडी आर बेस्ड ऑन द इंडिजीनियस नॉलेज ये वहीं पर एग्जिस्ट करती है दे आर बेसिकली यूज बाई दी लोकली ऑब्वियसली दिस इज नथिंग न्यू अब निकोबार ही होडी क्राफ्ट है अफ्रीकन ट्री से तो बनेगी नहीं निकोबार में जो लोकल अवेलेबल ट्रीज है उनसे ही बनेगी सो दैट इज़ इट तो इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की एप्लीकेशन मिली मिला नहीं है टैग नहीं मिला है इसको जी टैग मिला नहीं है बट दिस एप्लीकेशन हन कम सो दिस न्यूज़ इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस चलिए कमिंग टू दिस इज द गुड न्यूज़ दिस इज इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर दिस प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना क्योंकि दिस माइट एक्चुअली दिस इज वर्थ वर्थलेस शदानी दरबार पाकिस्तान ने क्या किया है कि सौ वीजा दिए हैं हंड्रेड वीज़ा भारतीयों को भारतीय पिलिजरम्स जो होते हैं उनको शदानी दरबार को विजिट करने के लिए हयात पिताफी नाम के शहर में हयात पिताफी बेसिकली सिंध डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है उसका नाम है हयात पिताफी और वहां पे एक मंदिर है शदानी दरबार नाम का तो इंडियंस वहां पर विजिट करते हैं और उस इंडियंस के विजिट के लिए बेसिकली सौ वीजा इशू किए हैं पाकिस्तान ने यूश मस्ट भी क्वेश्चन पाकिस्तान इंडियंस को वीजा दे रहा है ऐसा तो होता नहीं है जनरली ध्यान से सुनो मेरी बात को इंटरेस्टिंग वाला देखो पहले तो हम बात करते हैं कि शदानी दरबार है क्या हयात पिताफी घोटकी डिस्ट्रिक्ट शदानी दरबार मतलब कि सिंध राज्य में घोटकी डिस्ट्रिक्ट में हयात पिताफी नाम के शहर में पाकिस्तान में शदानी दरबार नाम का एक मंदिर है जो कि बिगेस्ट हिंद मतलब सिंध प्रोविंस का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है जो कि सत्रह में संत शदाराम साहिब के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1786, 1786, फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुई अभी अभी तक, USA का Constitution नहीं बनाया अभी तक, का नहीं 1786 में, war, सुल्तान भी अभी जिंदा है मराठा में भी बेसिकली सिर्फ एक एंग्लो मराठा वॉर हुई है एंड स्टिल ब्रिटिश ब्रिटिशर सेवनटीन हंड्रेड एट्टी सिक्स में सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रोविंस को कंट्रोल कर रहे हैं एट दैट टाइम एक्चुअली वेरी लॉन्ग राइट बिफोर इवन बिफोर दू एस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड संत सदाराम साहिब ने सिंध में एक मंदिर स्टेब्लिश किया था जिसका नाम है शदनी दरबार संत सदाराम साहिब के बारे में बता दो संत सदाराम भक्ति और जो सूफी मूवमेंट है वो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है ठीक है तो मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया से जो भक्त और संत जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन बड़ा करते हैं संत सदाराम साहिब के बारे में बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि श्री राम के जो बेटे थे लव ये उनके डिसेंडेंट माने जाते हैं ही इज डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड लव एंड avatar एन अवतार ऑफ Shiva. First फर्स्ट ऑफ ऑल आई a क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एंड आई want टू आस्क जब हम संत सदाराम साहिब के बारे में पढ़ते हैं सो वी सी कि he is a descendant. अब जहां भी पढ़ेंगे, तो वो लिखा होगा ही सन लव अगर श्री राम के बेटे लव के डिसेंडेंट है तो वो श्री राम के भी तो डिसेंडेंट हुए व्हाई आर वी कॉलिंग इट वेरी स्पेसिफिकली लव हम उसको सीधा श्री राम के भी डिसेंडेंट कह सकते हैं राइट मेक सेंस तो बट अगर आप कहीं पढ़े हैं तो हाँ ये मेंशन रहता है ठीक है तो इन्होंने संत शदा राम ने दरबार है सीन एट अदर गद्दीसाज और हेड ये जो मंदिर होता है इसके एक हेड होते हैं उसको कहते हैं गद्दीसार गद्दीसार स्पेसिफिकली कहते हैं एंड बहुत मतलब इट्स फिनोमिनली इंटरेस्टिंग कि जो पांचवी जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिखिज्म में गुरु होते हैं पहले गुरु गुरु नानक देव जी दसवें गुरु गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी एंड इस प्रकार से दस गुरु थे तो यहाँ पे जो संत सदाराम जो ये मंदिर है यहाँ पे जो इनको हेड करता है उसको गद्दीदार कहते हैं ठीक है एंड इंटरेस्टिंग द फिफ्थ गद्दीदार वाज ए विद्दीदार माता साहिब हसी देवी थी जिन्होंने अठारह में उसकी पोस्ट दी थी दिस स्टिल गोज ऑन क्योंकि इस समय जो गद्दीदार हैं शादानी दरबार के ही लिव्स इन इंडिया रायपुर में डॉक्टर युधिष्ठर लाल ही इज द नाइंथ गद्दीसार और वो छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हैं राइट इंटरेस्टिंगली एक्चुअली मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ cuz i wanted to discuss this because this is an interesting fact why did pakistan given gave 100 visas पाकिस्तान के कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं और इंडिया के अंदर कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं सी ये सारा का सारा देश एक ही हुआ करता था उन्नीस से पहले राइट right? सो so, वहाँ पर कुछ हिंदू टेम्पल्स हैं यहाँ पर कुछ मुस्लिम मजारेज हैं तो उन्नीस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक प्रोटोकॉल हुआ

ऐसी जगह ऐसी भारतीय जा सकते हैं हर साल इस प्रोटोकॉल के तहत और पांच है इंडिया के अंदर जहां पे बेसिकली पाकिस्तानी विजिट करते हैं विद सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस अब देखो पाकिस्तान की पंद्रह तो याद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में इंडिया की भी पांचों याद करने की जरूरत नहीं बट वील एक्चुअली अजमेर शरीफ दरगाह ऑब्वियसली मोइनुद्दीन मोहनदीन चिष्टी जो है अजमेर में बेसिकली राजस्थान में उनकी जो दरगाह है अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेज स्टेट फॉर मुस्लिम्स निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में जो है निजामुद्दीन ओलिया के नाम से जो है अमीर खुसरो की दरगाह जो है दिल्ली में हंद शरीफ मुजादिद अलफसनी पंजाब में और कलियार शरीफ जो है वो बेसिकली हरिद्वार में ये पांच जगह हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा उन्नीस में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था कि इन दोनों में विजिट इन ऐसे विजिट किए जा सकते हैं पाकिस्तान में ऐसी पंद्रह जगह है याद करने की कोई खास स्पेसिफिक आवश्यकता नहीं है शदानी दरबार कच्चर राजधम नानका साहिब के जो गुरुद्वारे हैं गुरुद्वारे पंजा साहिब एंड सो ऑन देर आर फिफ्टीन डोंट नीड टू रिमेंबर इट ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा बाइलेटरल अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द लास्ट न्यूज ऑफ दिस टूडे बेसिकली स्पेसिफिकली तमिलनाडु हैज़ गॉट इज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इसकी लोकेशन मेरे पास नहीं है ये आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा कि अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट सॉरी व्हाट वरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट तमिलनाडु के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने स्टेट गवर्नमेंट ने जो अरितापत्ती और मीनाक्षीपुरम विलेजेस हैं मदुराई डिस्ट्रिक्ट के उनको तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया स्पेसिफिकली राइट right? स्टेट बेसिकली किसी पर्टिकुलर एरिया को जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है दो दो का उसके तहत हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी स्पॉट की तरह डिक्लेयर कर सकती है अब दूसरों बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट बी डी एफ टू थाउजेंड जो है एनवायरमेंट का टॉपिक है क्वेश्चन आते रहे हैं पिछले कई सालों से रेगुलरली पढ़ना है पूरा का पूरा याद करना है अगली बार अगर कभी कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगा बट आप में वेट ना कीजिएगा इसको एक बार जरूर रीड जरूर कर लीजिएगा ठीक है सो गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के साथ कंसल्टेशन करके कुछ बायोडावर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर सकती है तमिलनाडु ने पहली डिक्लेयर की है अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो कि मदुराई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एक बार इसकी लोकेशन जरूर देख लीजिएगा आपको हेल्प मिलेगी ढाई से भी अधिक बर्ड्स हैं लेगार फैल्कन शाहीन फैलकन बोनेलीज ईगल सारे सारे बाज हैं एकदम बिल्कुल तीनों के तीनों बाज हैं ठीक है दूसरी और वाइल्ड लाइफ है इंडियन पैंगोलिन स्लेंडर लॉरिस एंड दी पाइथन आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है सारी की सारी चीजें पढ़ना सुनना लेकिन धीरे धीरे एक बार हम पढ़ेंगे तो याद होती जाएंगी इट विल कम टू यू इट विल कम टू यू ये जो चीज है अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटीज दिस इज द रीजन एक ऐसा एरिया जहां पे ढाई से भी ज्यादा स्पीशीज वर्ड्स हैं वाइल्ड लाइफ है पैंगोलिन स्लेंडर लॉरिस एंड दी पाइथंस तो दिस एक्चुअली इज बिकम इंपॉर्टेंट एंड हेंस इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या Is a very simple question to you. Not the prelims, not the mains. How was the session today? You know, you want to tell me. I have a way. You can actually tell it to me on Instagram handle. Just DM me. And also the people who are actually just are looking for the PDFs of the class that is available on this Telegram channel. I'll see you tomorrow at nine PM with the current affairs of the day, twenty fourth of November two thousand twenty two. Till then, have a very